वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एक बढ़िया से जो है वर्कआउट से। आज मैंने किया है मिक्स प्लस कार्डियो, दोनों चीज़ किए तो बढ़िया रहा जिम। और अब ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। और यार मौसम देख लो बाहर, एक ऑफिस जाते टाइम और ऑफिस आते टाइम, दोनों टाइम जो है मौसम ऐसी रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है अभी। चलिए भाई पहले दूध ले लेते हैं यहाँ से। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं मोटा मोटा जो है दो दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि जो लास्ट शॉट था जिम वाला उसके बाद से लेकर अब तक दो दिन हो चुके हैं और ब्लॉग नहीं बनाया बिल्कुल भी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, ऑफिस वगैरह रहता है, तो बनाने का कोई मतलब कुछ है नहीं दिखाने को, क्या दिखाएं। आज है सैटरडे, ब्लॉग की शुरुआत सैटरडे से हो रही है दोबारा। अभी जो है वो घर का थोड़ा सा जो है पेंट वगैरह का काम हो चुका है शुरू, और अभी मैं और प्राची जो है इंदिरापुरम जा रहे हैं। अभी आसपास तो हमें कोई खास ऐसी शॉप मिली नहीं जहाँ पे हम कलर्स वगैरह थोड़ा डिटेल में कोई बंदा बता पाए, तो इसलिए बर्जर की एक शॉप है इंदिरापुरम में, तो वहाँ पे जो है वो सैंपल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, कौन सा लगाना है घर पे, तो वो भी चूज करना है। और बाहर जो है देखो आप लगातार बारिश हो रही है, पिछले दो तीन दिन से लगातार जो है वो नोएडा वसुंधरा गाजियाबाद में बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है लेकिन लगातार बारिश हो रही है। से हाय टू द ब्लॉग। हेलो। तो भाई अभी आ चुके हैं इंदिरापुरम की मार्केट में, और एक दो दुकानों में हमने पता किया है, लेकिन जो कलर एग्जैक्ट चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, वो एक साथ मिल नहीं पा रही है। कभी कोई कह रहे हैं कि मशीन नहीं है, कभी कोई कह रहा है कि ये वाला आपके पास कलर नहीं है, फिर कह रहे हैं ये एशियन में नहीं है, ये बर्जर में नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रगल हो रही है। देखते हैं अभी एक दो दुकानें यहाँ पे आगे और भी है, वहाँ पे देखते हैं और उसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आज तो एनी हाउ सेलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि प्राइमर तो हो चुका है सारे रूम में, ऑलमोस्ट एक सिर्फ हॉल बचा हुआ है, और कल से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पेंट का काम शुरू हो जाएगा, तो आज के आज जो है वो डब्बे पूरे तैयार करने पड़ेंगे विद पेंट। तो भाई ये है वो मशीनें जिसमें जो है वो पेंट मिक्स होता है। मान लो ये बेसिक कलर का डिब्बा है 10 लीटर का, अब ये इसमें जाएगा, कोड कहाँ डलता है, ऊपर कोड डलता है यहाँ पे, और उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक जो है इसमें कलर छोड़ेगी। कलर देखो, वो देखो ये कलर जितना भी हिसाब से जो है वो कलर इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा। तो ये अभी हो रही है मिक्सिंग, और उसके बाद दूसरी मशीन है जिसमें डब्बा जो है पूरा मिक्स होता है। जैसे जनरली अगर हाथ से कलर बनाते हैं तो हाथ से उसको फेंटते हैं, बट इसमें जो है मशीन लगेगी, मशीन में अटकेगा डब्बा और पूरा घूमेगा उसके हिसाब से। और ये है मिक्सिंग मशीन जहाँ पे मिक्स बाल्टी अंदर रखी जाएगी और ऑटोमेटिक जो है मिक्सिंग होगी इसकी। ये हुई लॉक। तो डब्बा रेडी होके आ चुका है, एक बार कलर चेक कर लेते हैं, जो कलर डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसे बनाने के लिए, तो हमने यही चूज किया था और सिमिलर है, सेम ही ऑलमोस्ट। भाई ये अपने पेंट पैक कर लिए हम लोगों ने, हम आ रहे थे अभी त्यागी ब्रदर शॉप में, हमने बहुत सारी दुकानें देखी, बट उसमें ये हुआ कि कहीं पे कुछ मिसिंग है, कहीं पे पेंट नहीं है, कहीं पे मशीन नहीं है, बहुत सारी जगह, बट यहाँ पे फुल सोल्यूशन हमें मिल चुका है। पहले हम बर्जर ढूंढ रहे थे, बट फिर अभी हम लोगों ने जो है एशियन पेंट सेलेक्ट कर लिया, और एशियन पेंट पे ही जा रहे हैं, और बढ़िया हो गया अभी। चलो वैरायटी बहुत सारी है, और लीटर का बड़ा हुआ है, किसी के पास 10 लीटर नहीं है, इनके पास सब कुछ है, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर सब कुछ है। मतलब दो दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे, बट अभी देखो आधे घंटे में अपना सारा काम हो गया। अभी एक चीज और प्राची ने मुझे बताई है कि आज जो है वो डोल 11 है। अब मैंने तो आज से पहले डोल 11 सुना नहीं था, लेकिन प्राची ने बताया कि इसका क्या मतलब होता है, एक बार जरा बताओगे हमारी ऑडियंस को डोल 11 का क्या मतलब होता है। डोल 11 मतलब जैसे जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, और डोल 11 पे 11 दिन बाद भगवान को घर से निकाला जाता है बाहर, तो जैसे छोटे बेबी को सबको दिखाते हैं, जैसे नामकरण टाइप होता है अभी यहाँ पर इस साइड पे, वैसे हमारे यहाँ घर से बाहर निकालते हैं, सूरज पूजा होती है, वैसे कृष्ण भगवान की सूरज पूजा है एक तरीके से, तो उनको
मंदिर से बाहर निकाल के लड्डू गोपाल जी को जो उनका बाल रूप होता है उसको निकाल के और एक जुलूस निकलता है जिसे डोल बोलते हैं, उसके उस जुलूस के नीचे से छोटे बच्चों को निकाला जाता है और ये माना जाता है कि उसके नीचे से जिन बच्चों को निकाल लेते हैं तो पूरे साल भर बच्चे बीमार नहीं पड़ते। अच्छा। तो वैसे निकाल के और फिर उनको किसी नदी पे या नहर पे कहीं पे नहला के लेकर आते हैं जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, तो एक जुलूस निकलता है तो वो पवित्रीकरण होता है भगवान का। अच्छा। तो आज वो दिन है। देख लो भाई, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में बट पता चल गया है। तो मेरे ख्याल से राजस्थान में काफी इसको मनाते हैं धूमधाम से। हाँ, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है इसका। एक चीज और भी होती है, जैसे जन्माष्टमी का फास्ट करते हैं तो डोल ग्यारस की फास्टिंग भी कंपलसरी मानी जाती है। तो अच्छा। शाम तक लोग कुछ नहीं खाते हैं लेकिन जब उनका जुलूस निकलता है भगवान का तो उसकी पूजा करके उसके दर्शन करके ही फास्ट खोलते हैं फिर। तो ये भी होता है इसमें। और मुझे इतना आइडिया नहीं कि हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ और बोलते होंगे, है ना। अब ये पता करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है, या फिर हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अलग से कुछ बोलते हैं। चलिए भाई, हेयर कट भी करवा लेते हैं, काफी टाइम से कटिंग भी नहीं करी है तो हेयर कट भी करवा लेते हैं। बढ़िया से जो है बाल बाल कट गए, अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई, इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं बता दूं मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। फिलहाल हम वसुंधरा गाजियाबाद में रहते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।